हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करेंगे मैक्सिकन पिटोनिया के बारे में। इसमें जो है मैक्सिकन पिटोनिया जो है, इसमें 3 वेराइटीज़ होती हैं और ये मेरा मैक्सिकन पिटोनिया का प्लांट है। अगर आप इसमें देखोगे, इसमें ढेर सारी कलियाँ हैं और इस तरीके से ये बहुत जो है बहुत सारी इस तरीके से ये फ्लावरिंग जो है वो करता रहता है टाइम टू टाइम। और मेरे पास वैसे तो इसमें 3 वेराइटीज़ आती हैं, पिंक, पर्पल एंड वाइट, बट मेरे पास 2 ही अवेलेबल है। ये मेरा पिंक वेराइटी है और ये जो है ये मेरा पर्पल वेराइटी का प्लांट है मैक्सिकन पिटोनिया का, अगर आप देखें। और मैक्सिकन पिटोनिया की ये बात बहुत अच्छी है, पूरे दिन फूल खिलते हैं और उसके बाद इन द इवनिंग जो है ये इस तरीके से गिर जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पर ढेर सारे फूल गिरे हुए हैं, इधर ढेर सारे फूल गिरे हुए हैं। तो और साथ ही जब फूल खिलेगा, यानी कि ये वाला फूल जो है ये कल खिलेगा मेरा, तो इसमें इस तरीके से कली जो है वो आ चुकी है और कल ये मेरा फूल खिल जाएगा। इसमें देखो, इसमें ढेर सारी कलियाँ हैं, मतलब ये जितने पिंक वाले देख रहे हो आप ऐसे फूले फूले, ये सारे कल जो हैं वो खिल जाएंगे। और जो ये वाइट वाइट कलर में, मतलब ये थोड़े से येलोइश ग्रीनिश कलर में थोड़े इस तरीके से, ये जो है ये परसों या तरसों की डेट में जो है ये खिल जाएंगे। तो ये मैक्सिकन पिटोनिया का पौधा बहुत ही अच्छा रहता है और आप इसको धूप में भी रखते हो तब भी ये फ्लावरिंग बहुत अच्छी देता रहता है। और ये पौधा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं और ये इजी टू ग्रो प्लांट है। आपने एक बार लगा दिया, आपने एक बार खाद दे दिया, आपको ज़्यादा इसकी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इतना अच्छा पौधा होता है, ये एडजस्ट कर लेता है ईजिली और फ्लावर्स भी पूरे सीज़न ये फ्लावर देता है आपको समर सीज़न में। थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।